ये सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कलमी गांव में 62 परिवारों पर रात के समय उस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कलमी गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची। दो जेसीबी व महिला पुलिस बल सहित नायब तहसीलदार ने आज ग्रामवासियों को दी गई समय अवधि खत्म होने के बाद मकानों को तोड़ दिया। प्रशासन ने 4 जनवरी तक अपने सामानों सहित मकान खाली करने का फरमान सुनाया था, मगर जिन गरीबों के पास 2 बीघा जमीन भी नहीं है वो कहां जाए। बता दें कि जिस वक्त तोड़फोड़ की जा रही थी, गांव के सभी लोग जिला कलेक्टर से मिलने रायगढ़ जिला मुख्यालय आए हुए थे, जहां वे अपनी फरियाद कलेक्टर यशवंत कुमार से करना चाहते थे, परंतु जैसे ही उन्हें खबर लगी कि उनकी गैर हाजिरी में गांव में जिला प्रशासन की टीम पहुंची है और जेसीबी से तोड़फोड़ की जा रही है, ग्रामीण घबराते हुए गांव पहुंचे। अपनी अनुपस्थिति में घर को टूटता देख ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा। सभी महिलाएं जेसीबी के सामने खड़ी हो गई और तोड़फोड़ पर पुरजोर विरोध करने लगी। माहौल गर्माता देख नायब तहसीलदार ने जेसीबी बंद करवा दी। मौके पर तत्काल कोतरा रोड थाना प्रभारी रूपक शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामवासियों को समझाई और उन्हें कानून में नहीं लेने की सलाह दी। थाना प्रभारी की समझाइश काम आई और ग्रामवासियों ने आंदोलन शांत करते हुए इस बात का अनुरोध किया कि उन्हें एक मौका दिया जाए ताकि वह आला अधिकारियों से चर्चा कर सके। इस बात का सकारात्मक नतीजा निकला और कल मंगलवार को कलेक्टर प्रभावित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस बीच 2 से 3 मकान तोड़े जा चुके थे, जिससे गांव वासी काफी दुखी और आक्रोशित है। उनका आरोप है कि गांव के सरपंच द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से उन्हें कलेक्टर से मिलने रायगढ़ भेजा गया और उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर तोड़फोड़ की जा सके। प्रभावितों का कहना है कि टूटे हुए घर का मुआवजा और नुकसान हुए सामान की भरपाई की जाए। कलेक्टर के पास गए थे अभी, तो वहाँ इंतजार करते करते हम लोग का तो हालत खराब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ है। 1 घंटे में आएंगे, 1.5 घंटे में, उसके बाद पता चला यहाँ तोड़फोड़ चालू हो गया। क्या इसकी जानकारी आप लोगों को सरपंच की, ग्राम पंचायत सरपंच को दी विषय की जानकारी? सरपंच को पता है, क्या कहना है उसका? उनका कहना है कि कलेक्टर यही थे, साथ में थे हमारे, कलेक्टर के पास गए थे सर, तो वहाँ भी पता नहीं चल पाया, कलेक्टर आई नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाया, फिर यहाँ दौड़ते आए, अभी एक्सीडेंट होते बच गए, तोड़फोड़ चालू हो गया सुना घर में। कितने मकानों को कुल तोड़ा गया अभी? कम से कम 3-4-5 छह मकानों को तोड़ा गया। अपना परिचय बताएंगे? अखिलेश कुमार देवांगन। परेशानी हुई आप लोगों के साथ, किस प्रकार का तोड़फोड़ हुआ, क्या कारण था इसका? नोटिस 4 तारीख को तोड़ने का आदेश था सर, अब उस दिन तो आए नहीं, आज हम लोग पूरा बस्ती वाले सरपंच को लेके कलेक्टर साहब के मिलने गए थे, इतना दिन से घूम रहे थे तो मिल नहीं रहे थे, आज वहाँ पुसौर से आने वाले थे इसलिए हम लोग गए थे मिलने के लिए। अब यहाँ जिंदल वाले तहसीलदार साहब आके इधर सोना घर को तोड़ दिए हैं। सरकार से मैं ये गुजार पूछना चाहता हूँ कि हम लोग गरीबों के सुख दुख को समझेगा का के लिए सरकार बनाए हैं, तो खाली वो सरकार का किसानों के लिए है इतना कर्जा उर्जा माफ कर लिया कि गरीबों के लिए भी है। कितने समय से यहाँ पे आप लोग? हम लोग यहाँ करीब 15-20 साल से हैं, ये भू अर्जन जिंदल जब लिया है 2013 तो हम लोग 5-6 से बसे हैं यहाँ, तो हम लोग घर बना हुआ को तो जिंदल वाले देखे ही होंगे। पीएम आवास भी दिया है, ये जमीन आपकी है? जमीन तो सरकार की है, सरकार की है, तो भू अर्जन लगा है तो आप लोग मुआवजा वगैरह मिला होगा जिंदल प्रबंधन के द्वारा? कुछ नहीं मिला। जमीन के मालिक आप है कि नजूल जमीन में रह रहे थे? नजूल जमीन में, तो जमीन का मालिक तो सरकारें हैं, सरकार। अब सरकार का आदमी भी हम लोग हैं तो जाएंगे कहाँ, अब भूमिहीन है हम लोग यहाँ। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग को या तो सरकार कहीं व्यवस्था बना दे या जिंदल व्यवस्था बना के दे, हम लोग खुशी खुशी चले जाएंगे, या फिर हम लोग का मुआवजा दे दे। घर से क्यों तोड़फोड़ किया गया और क्या कारण था इसका? 4 तारीख के तोड़ने वाला था, अभी आ गए हम लोग कलेक्टर के पास गए थे, उसके बाद आके घर को तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसी लिए हम लोग 15 साल में हम लोग गरीब आदमी वोट मांगा और घर तोड़ने के लिए थोड़े मांगा है, हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ छोटे छोटे बाल बच्चे हम लोग खड़े। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे थे आप लोग?
अपना परिचय बताएंगे। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।